टांडाबरू क्षेत्र के उमरखली सोसाइटी में किसानों से रासायनिक खाद के ज्यादा रुपए ले रहे थे। डिजियाना न्यूज के दखल के बाद मैनेजर द्वारा रुपए खाते में लौटाने की बात कही। टांडाबरू क्षेत्र के किसानों को खरीफ का सीजन हो या रबी का, रासायनिक खाद के लिए चक्कर लगाना किसानों के लिए नियति बन गई है। उमरखली सोसाइटी से जुड़े ग्राम देवली, कोठा बुजुर्ग, कोठा खुर्द के किसान सोसाइटी के चक्कर लगा रहे हैं। सोसाइटी के जिम्मेदारों का कहना है कि खाद जल्द आने वाला है। कहते कहते गर्मी का कपास एक महीने से ऊपर का हो गया, खाद नहीं दे पाए। किसानों ने मिर्च मक्का भी लगा दिया, बोनी भी लग चुकी है, लेकिन खाद किसानों के खेत तक पहुंचाना तो दूर, सोसाइटियों और जिलों के गोदामों में भी नहीं पहुंच पा रहा है। अब किसानों की फसलें खराब होने लगी हैं, इसका असर उत्पादन पर पड़ेगा। सरकार ने 2022 में किसान की आय दुगनी करने का वादा किया है। आय तो दुगनी नहीं हो पाई, लेकिन रासायनिक खाद के भाव जरूर डेढ़ गुना दो गुना बढ़ गए हैं और मिल भी नहीं रहा। सिंगल सुपर फास्फेट खाद का भाव 300 रुपए से बढ़ाकर 465 रुपए कर दिए हैं। पोटाश 900 रुपए से बढ़कर 1750 रुपए कर दिए हैं। उमरखली सोसाइटी से ग्राम कोठा बुजुर्ग के किसान किशोर कुमरावत ने सुपर खाद बढ़ते हुए दाम 425 में खरीद लिया। किसान दशरथ राठौर का कहना है कि प्राइवेट गोदामों में जो स्टॉक में खाद बचा है वो भी पुराने भाव में बेच रहे हैं या फिर अमीर बनने का शॉर्टकट अपना रहे हैं। सरकार को जांच करना चाहिए। ये खाद को लेकर क्या समस्या आ रही है, उमरखली सहकारी समिति में क्या दिक्कत आ रही है? सहकारी समिति में किसानों को जो खाद का भाव सरकार ने बढ़ाया है सिंगल सुपर फास्फेट का, तो नए भाव पे बेच दिया, जबकि सरकार का निर्देश है 8 जून का कि पुराने भाव पे ही बेचा जाए जो स्टॉक में माल पड़ा है उसको, लेकिन उन्होंने नए भाव में बेच दिया। और मतलब इस तरह से सरकार के आदेशों की इन्होंने अनदेखी की, या तो फिर सरकार ने ही ऐसे आदेश जारी किए ताकि इनको भ्रम हुआ और इन्होंने गलत क्रियान्वयन किया उसका। और दूसरी मेन चीज़ ये है कि बोनी लग गई है। देखिए अब हम मैं बात कर रहा हूँ तब भी पानी गिर रहा है, बोनी लग गई है और किसानों के यहाँ कपास भी लगभग एक एक महीने के हो गए हैं, और खाद जो उर्वरक है उनको अभी देना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन खाद बिल्कुल भी कहीं पर उपलब्ध नहीं है। और ना तो समितियों में खाद आ रहा है, ना वहाँ खरगोन वेयर हाउस में खाद है। DAP और इफको वगैरह ये तो बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं, यूरिया सिर्फ मिल रहा है, एक खाद से तो काम चल नहीं सकता। क्या नाम लिखते हो? दशरथ राठौर। सर, उमरखली सोसाइटी में किसानों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि उन्हें खाद जो सुपर खाद बहुत महंगे भाव में दे रहे हैं, जो पुराना रेट है उस रेट से जो बड़ा था उस रेट के बजाय आप उन्हें 425 रुपये में दे रहे हैं, जबकि अभी रेट 315 रुपये है। हमारे पास मार्च के पहले जो सुपर आया था जी, वो भाव खुला उस मान से बड़े भाव में भेज दिया। अब हमने DDG कम रेट की तो अंतर्ग्राही उनके खाते में वापस सदस्य खाते में जमा की जाएगी। ये जो बड़ा हुआ पेमेंट ले रहे हो अभी, उनके खाते में वापस जमा करा दोगे? उनके खाते में जमा हो जाएगा। और अगर नगद बेच दिया है तो उसका पैसा? नहीं, नगद एक बोरी में बेचा है। नहीं बेचा नगद? ठीक सर, पूरा नाम क्या लिखते हैं? रमेश चंद पाटिल। डिजियाना न्यूज डिमांड रिपोर्ट, बरूड़। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट